गोपी कृष्ण सागर बांध गुना पर अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियां संचालित कर विद्यार्थियों को वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अनुभूति कार्यक्रम में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुटियाई, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ढाई एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय देहरी के 120 छात्र छात्राओं द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया गया। इस कैंप का उद्देश्य प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना प्रकृति के बारे में जानना है। छात्र छात्राओं के मन में प्रकृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित करना एवं उनकी सक्रियता प्रदान करना है। इस कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण व विज्ञान आधारित विषय वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रकृति संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। अनुभूति कार्यक्रम 2018-19 के अंतर्गत हमने 7 बजे सुबह 7 बजे से वहाँ से निकले रुठियाई से और गादर की पहाड़ियों पर हमें वन क्षेत्र के अधिकारियों ने हमें सर्वप्रथम तेंदुए के पंजे के निशान बताए और जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था और इसको देख के हम आगे बढ़े और आगे चलते चलते हमने नए नए पेड़ पौधे देखे जिसके बारे में हमें अधिकारियों ने बताया और भी बताया कि पेड़ किस प्रकार मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे हमें नई शिक्षा मिली और इसके अंतर्गत हम खड़ेश्वरी पर पहुँचे और हमने नाश्ता किया और फिर नाश्ता करके हम बस में बैठकर गोपी कृष्ण सागर डैम पर आए और वहाँ पे वो कलेक्टर साहब और CCM और SDM साहब आए जिन्होंने हमें कई प्रकार के खेल खिलाए और नई नई शिक्षा दी और इसके बाद हमारा एक पेपर हुआ उसमें। राधोगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर कमलेश सैनी की रिपोर्ट।